नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं टेक्नोमैन फॉर यू। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बोट के एक नेक बैंड की, जिसका नाम है बोट रोकर 255F। हालांकि ये ब्लूटूथ नेक बैंड काफी पहले लॉन्च हो चुका है और इसकी अनबॉक्सिंग मैं अब कर रहा हूं। आपके मन में एक सवाल होगा कि इसकी अनबॉक्सिंग मैं अब क्यों कर रहा हूं, जबकि ये काफी पहले ही लॉन्च हो चुका था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप 1000 रुपये के रेंज में एक ब्लूटूथ नेक बैंड लेना चाहते हैं तो ये ब्लूटूथ नेक बैंड आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। इस वीडियो में मैं इस नेक बैंड की अनबॉक्सिंग करके डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है माइक्रो यूएसबी। यहाँ पर भी आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में ये है यूजर मैनुअल। तो आइए इस पैकेजिंग को भी खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये है इसका वारंटी कार्ड, जिसमें 1 ईयर की वारंटी मेंशन है। ये है इसका यूजर मैनुअल, जिसमें बोर्ड के आने वाले सारे प्रोडक्ट मेंशन है, जो बोर्ड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो ये है पेपर वर्क और साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं, इन्हें भी आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ। तो ये हैं कुछ ईयर टिप्स जो कि अलग अलग साइज में आती हैं और ये आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स दी गई है और इसे आप तब यूज कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह कर रहे हों। अब देखते हैं ईयरफोन को और इसकी बिल्ड क्वालिटी को। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर आप ऐसे इसको टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, आप साउंड को भी फील कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी औसम किस्म की है। इसके ईयर पीस मेटल के बने हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं और साथ ही इसमें बोट की ब्रांडिंग की गई है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर बात करें इस ईयरफोन के केबल की, तो इसकी केबल टेंगल फ्री है और इसको बनाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रबर और प्लास्टिक यूज किया गया है। इसमें 3 बटन दी गई हैं, जिनका यूज करके आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच वाली बटन है, इसकी मदद से आप पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और जो 2 बटन ऊपर नीचे दी गई हैं, इनकी मदद से आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, इस ईयरफोन में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है और अगर आप बीच वाली बटन को 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो इससे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। इस नेक बैंड की केबल काफ़ी स्मूथ है, तो आप इसे लंबे समय तक के लिए अपने गले में रख सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी शेप और साइज में मोड़ सकते हैं और बाद में ये अपने शेप में वापस आ जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें इस नेक बैंड के वेट की, तो ये काफ़ी लाइट वेट है और इसका वेट 30 ग्राम के आसपास है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार्जिंग स्लॉट दिया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि चार्जिंग स्लॉट के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर दिया गया है, तो ये कवर चार्जिंग पोर्ट को धूल और पानी से बचाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात की इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की और अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स और फंक्शंस के बारे में। इस नेक बैंड में ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 10 मीटर तक है। 10 मीटर के रेंज में इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी बनी रहती है और ये फोन से काफी फास्ट कनेक्ट होता है। इसकी कनेक्टिविटी रेंज को मैंने चेक किया है, अगर आप फोन को एक रूम में रखकर दूसरे रूम में म्यूजिक सुनते हैं तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन आप उससे भी दूर बैठकर म्यूजिक सुन पाएंगे विदाउट कनेक्शन प्रॉब्लम। दोस्तों, इसमें वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP5 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़े बहुत पानी के छींटे और पसीने पड़ जाते हैं तो इस ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे कि ये ईयरफोन वाटरप्रूफ नहीं है, आप इसे पानी में डुबो नहीं सकते, पानी में डुबोने से ये खराब हो सकती है। साथ ही दोस्तों, मुझे एक और चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी लगी है, इसे हम 2 डिवाइस के साथ में पेयर कर सकते हैं। इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, अगर आप ईयर पीस को अपने कान में लगाते हैं तो ये काफ़ी हद तक आसपास के नॉइस को आपके कानों तक नहीं आने देता। दोस्तों, अगर बात करें इसके बैटरी की, तो इसमें 110 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 6 आवर तक का प्लेबैक टाइम देता है, वो भी फुल वॉल्यूम के साथ में। अगर बात करें इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसको फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, जो कि काफ़ी लाउड और पंची बेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हाई बेस में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो ये ईयरफोन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी क्लियर है, आप इसमें सिंगर और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हालांकि इसमें हाई बेस होने की वजह से कहीं कहीं इसका वोकल्स दब जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है इसकी कीमत।
तो ये ईयरफोन 1000 से 1500 के बीच में आती है। हालांकि जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल वगैरह चलते हैं तो ये नेक बैंड आपको 1000 के आसपास मिल जाता है, और 1000 के प्राइस रेंज में ये नेक बैंड बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत कमाल का म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आपका बजट 1000 के आसपास है तो आप इस ईयरफोन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इस ईयरफोन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।